दिस वीडियो इज पावर्ड बाय कल्प मोबाइल किंगडम भोपाल, जहां पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट गैजेट्स देखने मिल जाते हैं। यहां से आप ओटीआई प्रोडक्ट्स तो परचेज कर ही सकते हो, वहीं पर आपको टीवी, फ्रिज, एलईडीज, वॉशिंग मशीन की भी एक काफी ब्रॉड वैरायटी देखने मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सारे के सारे कम्प्लीटली रेप्यूटेटेड ब्रांड्स की तरफ से आते हैं एंड सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप लोगों को अवेलेबल है। तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अभी कॉल करके बुक करो अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स। कल्प मोबाइल किंगडम भोपाल। तो ये मेरे पास में ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G स्मार्टफोन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग कर चुका है। तो किस बात का वेट कर रहे हो, उस वाले वीडियो को देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। आज मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ कमाल के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं अबाउट इट्स होम स्क्रीन सेटिंग्स। तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन के एक ब्लैंक स्पेस पे होल्ड करना है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अबाउट वॉलपेपर्स, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैटिक एज वेल एज लाइव वॉलपेपर्स देखने मिल जाते हैं जिनको आप एक क्लिक में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई, नहीं अभी और ख़तरनाक चीज़ें आगे आने वाली हैं। सो आगे मैं आपको बता देता हूँ एक और कमाल के ऑप्शन के बारे में जो कि है आइकन्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइकन कस्टमाइजेशन पैनल देखने मिल जाएगा जिसमें कि आप आइकन की स्टाइल से लेकर आइकन पैक भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसका साइज़, ऐप नेम का साइज़, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो जो कि बहुत कम UIs में यूजुअली आपको देखने मिलता है। यहाँ पर आपको मटेरियल स्टाइल और पेबल स्टाइल भी देखने मिल जाती है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं एक और कमाल की होम स्क्रीन सेटिंग की बात करते हैं। तो इसके लिए भी अगेन आपको होल्ड करना है एंड यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा ग्रिड। तो इससे जो है आप रोज एंड कॉलम्स को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसा आप चाहो अपने होम स्क्रीन सेटअप को बना सकते हो। इससे आपकी होम स्क्रीन आपके हिसाब से कस्टमाइज होगी एंड इससे ऐप वगैरह जो है ज़्यादा बिखरे बिखरे नहीं लगेंगे, या अगर आपको कंजस्टिंग स्पेस पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगले ऑप्शन की बात करते हो विच इज़ कॉल्ड विजिट्स। तो यहाँ पर आपको विजिट्स के लिए एक डेडिकेटेडली एक कॉलम देखने मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजिट्स देखने मिल जाते हैं होम स्क्रीन के लिए। तो अपने हिसाब से अप्लाई करो एंड सिंगल क्लिक में अप्लाई हो जाते हैं। आगे बात करूँ ट्रांजिशंस की, तो यहाँ पर ट्रांजिशंस भी बहुत सारे हैं, मतलब लाइक नॉर्मल UIs में इतने ट्रांजिशन नहीं आते जितने आपको इस UI में देखने मिलते हैं विच इज़ ColorOS एंड ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इसी वाले ट्रांजिशन ऑप्शन की। आगे बढ़ते हैं कुछ और होम स्क्रीन सेटिंग्स की बात करते हैं। तो मोर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी होम स्क्रीन सेटिंग्स आपको देखने मिल जाएंगी जिसमें से एक बहुत अच्छी है कि आप होम स्क्रीन पे ड्रॉअर चाहते हो या स्टैंडर्ड चाहते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज आई यूज़ ड्रॉअर मोड एंड वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नीचे बात करते हैं अगर एक और कमाल के ऑप्शन की, सो इट इज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए काफ़ी अच्छी खासी डेडिकेटेड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन देखने मिल जाती है जहाँ पर आप पैटर्न्स वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हो, हर पैटर्न का कलर चेंज कर सकते हो एंड पैटर्न्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं एंड कम नहीं बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि भाई आप सोचते रह जाओगे कि ये लगाऊं ये लगाऊं एंड अगर आप डे वाइज भी इनको लगाते हो तो भी भाई ये कम नहीं पड़ने वाले। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है इन पैटर्न्स के हिसाब से, मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप इन्हें सिंगल क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन पे। यहाँ पर आपको कलर के लिए भी काफ़ी सारे ग्रेडियंट ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, आप जिस ऑप्शन का चाहो उस हिसाब का इसको टेक्स्ट को कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिल जाती है। अगर आप क्लॉक चाहते हो एनालॉग वाली या डिजिटल वाली, जैसा आप चाहो उसको कर सकते हो कस्टमाइज़। नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जो भी आप चाहो यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो एंड जो भी आप चाहो यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अबाउट द एनालॉग क्लॉक एंड द डिजिटल क्लॉक, और जो डिजिटल क्लॉक है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टेक्स्ट और इमेज से आप खुद अपना खुद का पर्सनलाइजेशन AOD भी बना सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, कर देना। आगे बात करते हैं कुछ और नए ऑप्शंस के बारे में। इसके लिए हमें होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा एंड होम स्क्रीन पे जाने के बाद हमें जो है सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर जाकर आपको डार्क मोड देखने मिल जाता है एंड डार्क मोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लियरिफाइंग फीचर, ये तो भाई बताना ही पड़ता है टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में।
तो ये आप एक क्लिक में इनेबल कर सकते हो एंड इसको स्केड्यूल भी कर सकते हो। ओवरऑल स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो भी एडजस्ट कर सकते हो सिंगल क्लिक पे। विविड देखना है या जेंटल देखना है डिस्प्ले को, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। इससे पंची और कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा चेंज होता है। एंड ओवरऑल अगर कलर इन्हांसर की बात की जाए तो ये भाई आप खुद डिफरेंस देख सकते हो ऊपर कि कलर किस तरीके से इन्हांस होता है इस वाले ऑप्शन के थ्रू, तो आप कर सकते हो काफ़ी ईजिली। आगे अगर मैं बात करूँ एक और कमाल के ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले आइकन्स देखने मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट्स तो यार आपको ख़रीदने पड़ेंगे या डाउनलोड करने पड़ेंगे थीम स्टोर से, लेकिन उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट आप काफ़ी आराम से कर सकते हो एंड उसके टाइप फेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी UI के लिए। आगे बात करते हैं एक और कमाल के ऑप्शन की, जो कि आपको मोर के ऑप्शंस के अंदर देखने मिलता है, विच इज़ कॉल्ड स्क्रीन रिफ्रेश रेट। ये वाले स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने मिलता है, तो अगर आप चाहो तो उसको 90 हर्ट्ज़ पे चला सकते हो एंड अगर आप चाहो तो उसको स्टैंडर्ड यानी 60 हर्ट्ज़ पे भी चला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी मानो तो भाई 60 हर्ट्ज़ अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप चाहते हो फ़ोन को एकदम ही अल्ट्रा स्मूथ लेवल पे यूज़ करना तो आप 90 हर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूँ एक और कमाल के ऑप्शन की, तो इससे आप भाई अपने नॉच को हाइड कर सकते हो, ब्लैंक स्पेस को भर सकते हो, जैसा आप चाहो भाई। ये पर्टिकुलर ऐप वाइज हो जाएगा, सिंगल क्लिक में जाके आप अप्लाई और इनेबल कर सकते हो। आगे आपको एक और कमाल का ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो सेटिंग्स पर्सनलाइजेशन टैब हमने बात करी थी अभी, उसका एक डेडिकेटेडली यहाँ पर आपको टैब देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आप कलर्स चेंज कर सकते हो एक्सेंट अपने स्मार्टफोन का। यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रेडियंट एक्सेंट है, एज वेल एज ग्रेडियंट के अलावा काफ़ी सारे नॉर्मल एक्सेंट भी सॉलिड कलर्स में देखने मिल जाते हैं, तो आपके ऊपर है भाई, अगर आपको सॉलिड कलर्स पसंद है तो आप सॉलिड कलर्स भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें आप शेप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि वन प्लस का फीचर है एंड काफ़ी बढ़िया लगता है बहुत से लोगों को। एंड दिस फोन इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक वन प्लस फ़ोन, तो आप आराम से इनेबल कर सकते हो अपने हिसाब से ब्लू और कर दोनों का एक्सेंट को, तो ये कम्प्लीटली वन प्लस देखने मिलेगा भाई, क्या बताओ मैं। उसके अलावा एज पैनल्स की भाई एज लाइटिंग की इतनी बात हुई है ना, इतनी बात होती है कमेंट सेक्शन में, ये ऑप्शन अगर मैं भूल जाता हूँ तो। यहाँ पर आपको तीन कलर्स देखने मिलते हैं इस वाले स्मार्टफोन में, एक है ब्लू, एक है रेड और एक है गोल्डन, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एज लाइटिंग को कर सकते हो। एंड गाइज इसकी एज जो है वो कर्व्ड है, एंड कर्व्ड है जिस पे तो भाई एज लाइटिंग अंधेरे में बहुत शानदार लगता है, तो इसको एक क्लिक में आप इनेबल कर सकते हो अपने स्मार्टफोन पे। आगे बात करते हैं कुछ और नए ऑप्शंस के बारे में, एंड विच इज़ कॉल्ड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो एनिमेशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यार, और ये कम्प्लीटली मुझे वीवो से इंस्पायर्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों वीवो के स्मार्टफोन्स में सारे एनिमेशंस अवेलेबल है और काफ़ी पहले से हैं, तो आई थिंक शायद ये वीवो से उठाया गया फीचर है। खैर यार अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी ना होती है। एक और बहुत कमाल का फीचर मुझे अभी ध्यान आया, जो कि है कन्वीनियंस टूल्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे आपको सेटिंग्स देखने मिल जाते हैं। ये जो है सबसे पहले नेविगेशन बटन से बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको नेविगेशन के जेस्चर्स देखने मिल जाते हैं, बटन्स देखने मिल जाती हैं। अगर आप जेस्चर्स से फ्रेंडली हो तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग, बट साथ साथ में आपको यहाँ पर बटन्स भी देखने मिल जाती है, जो कि क्लासिक चीज़ है एंड मेरी फेवरेट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर असिस्टिव बॉल की, तो ये चीज़ जो है एप्पल से इंस्पायर्ड है। एप्पल के स्मार्टफोन्स में जो है असिस्टिव बॉल होती है, जिससे सिंगल क्लिक से आप बैक कर सकते हो एंड जो है होल्ड करके आप इसको होम स्क्रीन पे ले जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ डबल क्लिक की, तो आप रीसेंट ऐप्स में इसमें जा सकते हो, तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है। एंड जब से जो है बटन्स बंद हुई हैं स्मार्टफोन में, तब से ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर बन गया है। आगे अगर मैं बात करूँ एक और कमाल के ऑप्शन की, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल वेलबींग, तो यार ये हम सभी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने स्मार्टफोन को कितनी देर तक यूज़ करना है। यहाँ पर डिजिटल वेलबींग में आपको एक एक प्रोग्रेस पता लगती है कि आपने कब कितने टाइम पर कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया है एंड कितनी बार अपने फ़ोन को अनलॉक किया है, साथ साथ कितने नोटिफिकेशंस आपके स्मार्टफोन पे आए हैं, सारा कुछ डिटेल में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैटरी वाले ऑप्शन की, तो बैटरी के अंदर आप पता ही है आपको कि पावर सेविंग मोड्स देखने मिल जाते हैं। एक है नॉर्मल पावर सेविंग मोड, विच इज़ वेरी कूल एंड इनोवेटिव टाइप का, जिससे जो आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है हल्की सी, लेकिन जो आपको सुपर पावर सेवर देखने मिलता है, विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, तो जो सुपर पावर सेवर है भाई वो आपके फ़ोन को कम्प्लीटली डेडिकेटेडली बैटरी बचाने के लिए बना देता है। मतलब यहाँ पर आप देखो कितना टाइमिंग है एंड यहाँ पर देखो कितना टाइमिंग का गैप आपको देखने मिल जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो सुपर पावर सेवर को जब आप इनेबल करते हो तो यहाँ पर भाई काफ़ी कमाल की चीज़ें हो जाती है। उसके अलावा आपको मोर बैटरी सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारा अच्छा वाला ऑप्शन, जैसे कि
हाई परफॉर्मेंस मोड देखने मिल जाता है। अब जो हाई परफॉर्मेंस मोड है ये क्या करता है, आपके बैकग्राउंड एक्टिविटी वगैरह बंद कर देता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो। खैर यार, इसके बहुत सारे फीचर्स है, बताने बैठा तो कल सुबह तक बताते ही रहूँगा, इसलिए अगर आप चाहते हो इस वाले वीडियो का पार्ट टू, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज, इसकी अनबॉक्सिंग देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।